जनता देश संगठन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन के अनुसार जनता देश संगठन के कार्यकर्ताओं ने मीडिया को बताया कि पिलखनी स्थित शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज पीजीआई सन 2011 में बना था और तभी से अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी थी, लेकिन जब से आज तक पीजीआई के अंदर मरीजों के लिए कोई भी आकस्मिक सेवाएं नहीं है, मात्र बिल्डिंग दिखाई देती है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि पीजीआई के अंदर एम्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे 50 लाख की आबादी वाले जनपद को सारी सुविधाएं मिल सकें, जिससे उन्हें दिल्ली, चंडीगढ़, ऋषिकेश न जाना पड़े और समय रहते मरीज की जान बच सके। उन्होंने धरने को संबोधित करते हुए कहा। जी, आपका नाम? मेरा नाम नफीस सिंह। जी, आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में बताइएगा आप। देखिए, आज जो एक दिन का सांकेतिक धरना रखा गया है, ये धरना और ये जो इसकी मांग है कि माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो सहारनपुर मेडिकल कॉलेज बना है उसको एम्स में तब्दील कराने व एम्स जैसी संपूर्ण सुविधा दिलाने के उपलक्ष्य में ये धरना आज रखा गया है। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? बस सर, अभी हमारी जो वर्तमान समय में मांग है, जो जनहित में मांग है हमारी, वो है कि सहारनपुर मेडिकल कॉलेज पीजीआई को बहाल किया जाए, उसमें संपूर्ण सुविधा दे वह एम्स में तब्दील किया जाए, ये हमारी मांग है। चंद्रपाल जी की बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जैसे चंद्रपाल जी कहते हैं कि आप लोगों को एक के साथ अपनी आवाज को यानी कि उठा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सरकार चाहती है कि आप लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जाए, आप लोगों को हर तरीके से अपंग बना, लोग चलने का काम ना कर सके, आप लोग बढ़ने का काम ना कर सके, तो ऐसी सरकारों को आप लोगों को उखाड़ कर फेंक। सोशल थिंकर राइट नो, तो आप लोगों के बीच में सुरेश फौजी जी जो इस आवाज को सरकारों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को उनका साथ यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर देना होगा और आप लोगों की आवाज